हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 फॉर क्लास 10th सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 30 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फेडरलिज्म चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म जैसे कि हमारी सरकार जो है वो अलग अलग लेवल की है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या होता है, वो फेडरलिज्म होता है। और हमारा इंडिया भी जो है वो उसमें क्या है, फेडरलिज्म है। नाउ लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी भाषा के रूप में जो अलग अलग राज्य हैं, तो देखिए द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वॉज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो हमारे जो कंट्री है उसमें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, और इसी भाषा के आधार पर जो स्टेट जो है उनका जो फॉर्मेशन हुआ वो एक आप कह सकते हो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही कठिन जो है परीक्षा थी, ठीक है। बाउंड्रीज ऑफ मैनी प्रीवियस स्टेट्स वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट। जो बाउंड्रीज थी न्यू स्टेट क्रिएट करने के लिए, जो पहले वाले स्टेट थे उनकी जो बाउंड्रीज थी उनको बदला गया, ये कुछ चेंज किए गए थे। व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वॉज रेज्ड, सम नेशनल लीडर्स फियर्ड दैट इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। और जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग जो है वो उठने लगी, तो जो लीडर्स थे उनको लग रहा था कि इससे देश जो है वो हमारा टूट जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम। स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ समय के लिए इस तरह से जो है भाषा के आधार पर आप कह सकती हो कि उसको क्या किया, रजिस्ट किया, ठीक है, उसको टाल दिया। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड, इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो क्या शो करता है कि जो इस तरह से भाषा के आधार पर अलग अलग स्टेट बनाए गए उससे हमारा कंट्री और भी ज़्यादा यूनाइट हुआ है। और एक भाषा एक राज्य में एक जैसी होने के कारण एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत आसान हो गया है। नेक्स्ट देखिए लैंग्वेज पॉलिसी, लैंग्वेज की क्या पॉलिसी है भारत में। ए सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। एक जो दूसरी परीक्षा थी वो थी लैंग्वेज की। हर स्टेट के अंदर अलग लैंग्वेज बोली जाती है और उसी के आधार पर जो है ये स्टेट जो है बनाए गए हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज के रूप में नहीं रखा गया है। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी जो है वो क्या है, हिंदी बच्चों ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज हमारे देश में कोई नहीं है, बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। हिंदी वो केवल 40% इंडियंस की क्या है, मदर टंग है। देयरफॉर देयर वर मैनी सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस। इसलिए और जो है दूसरी लैंग्वेज आप कह सकते हो कि दूसरी लैंग्वेज की संरक्षण के लिए जो है अनेक तरह से उपाय किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज एज शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेज हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज की जगह दी गई है। नाउ अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजिशन मे ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। और जो 21 लैंग्वेज जो है उनको जो जगह दी गई है, कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है तो उसके अंदर उनमें से कोई भी लैंग्वेज जो है उसमें पेपर दिया जा सकता है। उनको जो है अपनी चॉइस रखनी होती है थर्ड लैंग्वेज के लिए। स्टेट्स टू हैव देयर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। स्टेट्स जो है उनकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। और मोस्टली जो गवर्नमेंट वर्क है वहाँ का वो उसी लैंग्वेज में किया जाता है। जैसे बंगाल है, बंगाल में बंगाली है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो बंगाली लैंग्वेज में ही वहाँ पर संभाला जाता है। नेक्स्ट देखिए मेजर प्रोविजंस ऑफ पंचायती राज सिस्टम ऑफ 1992। तो 1992 में पंचायती राज सिस्टम जो शुरू किया गया था,
ठीक है, उसके क्या क्या मेजर प्रोविज़न थे। पंचायती राज क्या होता है, जो गांव में पंचायत बनती है, पंचायत समितियां होती हैं, वो सारा पंचायती राज सिस्टम है। सबसे पहले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, और उसके बाद है फिर ये पंचायती राज सिस्टम। तो इस तरह हमारा जो एक तरह से आप कह सकते हो जो फेडरेशन है वो तीन लेवल का है, ठीक है, फेडरलिज्म है वो तीन लेवल का है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड जो हमारी पंचायती राज सिस्टम है। अब देखिए, नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़। अब देखिए, ये जो चीज़ है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट कर दी गई 1992 में, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट ये चुनी जाएगी उसके लिए जो इलेक्शन हैं वो कराए जाएंगे, रेगुलर इलेक्शन टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज़ एंड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेज, कि उसके लिए जो इलेक्शन होंगे। देखिए, गांव में जब सरपंच बनते हैं तो इलेक्शन कराए जाते हैं, ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरी जो है कर दिया गया है। नाउ इसके लिए सीट्स रिजर्व की जाती हैं, और सीट्स जो रिजर्व होती हैं उसमें सीट्स आर रिजर्व इलेक्टेड बॉडीज़ एंड एग्जीक्यूटिव हेड, जो भी है शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनके लिए क्या की गई है, सीट जो है वो रिजर्व की गई हैं, क्लियर। उसके बाद देखिए, एट लीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजिशन आर रिजर्व फॉर वुमेन, वुमेन के लिए 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व की गई हैं। एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जिस जो क्या होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट में स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है। तो अलग अलग इलेक्शन कमीशन जो है हमारा, उसकी भी अलग अलग बॉडीज़ हैं, स्टेट की है, सेंटर की है, तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है सारे चुनाव कराता है, फिर चाहे वो पंचायती चुनाव हों या म्यूनिसिपल के इलेक्शन हों, एमसीडीज़ के इलेक्शन हों। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कुछ अपनी पावर्स और अपना जो रेवेन्यू है, पैसा है, वो जो लोकल गवर्नमेंट है, गाँव गाँव की गवर्नमेंट है, उनके साथ जो है उनको देना पड़ता है, ठीक है। यानी पैसा आता है गांव की जो पंचायतें हैं उनके पास, गांव में काम कराने के लिए, गांव की स्थिति को सुधारने के लिए, वहां पे पानी, बिजली, शिक्षा, ये सब व्यवस्था करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो गांव में जो पंचायतें होती हैं उनको ग्राम पंचायत कहा जाएगा। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ पंचायती राज, तो लोकल जो गवर्नमेंट है गांव में उसको किस नाम से जाना जाता है, पंचायती राज कहा जाता है। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज़ अ ग्राम पंचायत, हर एक गांव की एक पंचायत होती है, अगर गांव में एक पंचायत नहीं है तो कई गांव मिलकर भी एक पंचायत बना लेते हैं। दिस इज़ अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर ऑफन कॉल्ड पंच एंड अ प्रेजिडेंट और सरपंच। इसमें क्या होता है कि जो पूरा गांव है उसको अलग अलग वार्डों में बांट दिया जाता है, और हर एक वार्ड से एक मेंबर लिया जाता है और उसको जो है चुना जाता है, उनको पंच कहा जाता है, और उनके ऊपर जो मुखिया होता है उसको सरपंच कहा जाता है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज, और ये जो है डायरेक्टली जो एडल्ट पॉपुलेशन है जिनको वोट देने का राइट है वो इसको चुनते हैं। नेक्स्ट है पंचायत समिति। अब जो ये ग्राम पंचायत बनी है, पंच और सरपंच ये मिलकर क्या बनाएंगे, पंचायत समिति बनाएंगे। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, अब ये जो है किस पे जाएगा, स्टेट लेवल यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये पंचायत बनती है। ए फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर, जो है कुछ ग्राम पंचायतें उनको इकट्ठा कर दिया जाता है, एंड विच इज़ यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको पंचायत समिति कहा जाता है, और ब्लॉक और मंडल, या उसको ब्लॉक कहा जाएगा या उसको मंडल कहा जाता है। द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया, तो जो मेंबर होते हैं इसके इस पंचायत समिति के, तो जो भी पंचायत मेंबर होते हैं उस एरिया के वो जो है मिलकर इसको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी ग्राम पंचायत के अब जो सदस्य होंगे, पंच सरपंच होंगे, वो सारे इलेक्शन करके और पंचायत समिति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट देखिए जिला परिषद, अब इससे और थोड़ा ऊपर लेवल पे होगी जिला परिषद।
तो ऑल द पंचायत समिति और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। ठीक है, तो जो भी पंचायत समिति है, मंडल है, ठीक है, वो क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट की जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं वो मिलकर क्या बनाएंगे, वो जिला परिषद का निर्माण करते हैं। जिला परिषद का गठन होता है, मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, जो मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के वो इलेक्टेड होते हैं, मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलए ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर्स। तो जिला परिषद में जो वहाँ का लोकसभा का मेंबर है, ठीक है, और वहाँ का जो स्टेट का मेंबर है, एमएलए है, ठीक है, लोकसभा, ये तो लोकसभा का मेंबर तो सेंट्रल लेवल पे हो गया, एमएलए जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, और इसके अलावा दूसरे जो ऑफिसर्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इसके मेंबर होते हैं जिला परिषद के। जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद, तो जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो उसका हेड होता है। नेक्स्ट देखिए, म्यूनसिपलिटीज़ एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो MCDs होती हैं, सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। जिस तरह गांव में हमने देखा ग्राम पंचायत होती है, इसी तरह यहां पर क्या होता है, शहरों में क्या होता है, MCDs होती हैं। MCDs जो है उनका इलेक्शन होता है, क्लियर, उनको ऐसे ही रूल के थ्रू चुना जाता है। म्यूनसिपैलिटीज़ आर सेटअप इन टाउन्स, टाउन्स में म्यूनसिपैलिटीज़ जो है वो होती हैं। बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाई जाती है। बोथ म्यूनसिपैलिटीज़ एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज़ कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, दोनों ही, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या कमेटी हैं, ठीक है, कॉरपोरेशन और म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, वो जो है उनका कामकाज जो है वो जो चुने हुए सदस्य हैं वो देखते हैं। म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी, अब जो म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है वो जो है म्यूनसिपैलिटी का पॉलिटिकल हेड होता है। एंड इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सच एन इंडिविजुअल इज़ कॉल्ड द मेयर, और उसका जो है जो हेड होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको मेयर कहा जाता है, जो प्रधान होता है उसका, उसको मेयर कहा जाता है, और इसके लिए भी प्रॉपर क्या होता है, इलेक्शन होता है। अब आपको यहाँ पर 2 questions दिए गए हैं स्टूडेंट्स, जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डज पंचायत समिति फॉर्म्ड, पंचायत समिति कैसे बनती है। आंसर रहेगा, पंचायत समिति इज़ फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग सेवरल ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायत समिति जो बनती है, ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय जो अलग अलग ग्राम पंचायत है उनका ग्रुप करके बनाई जाती है। सेकंड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मंडल और ब्लॉक पंचायत। थर्ड रहेगा, इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर ऑफ दैट एरिया, तो जो पंचायत समिति है उसका, उसके जो मेंबर होते हैं वो पंचायत मेंबर जो है चुनते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया, लैंग्वेज पॉलिसी इंडिया की कैसी है उसके ऊपर नोट लिखना है। आंसर रहेगा, एनी वन लैंग्वेज हैज़ नॉट बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक लैंग्वेज को प्रोविज़न नहीं दिया गया है, सभी लैंग्वेज को जो है इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई है। सेकंड, हिंदी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज अ शेड्यूल लैंग्वेज, हिंदी को एक शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, अपार्ट फ्रॉम हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज शेड्यूल लैंग्वेज, हिंदी के अलावा जो अदर दूसरी जो है 21 लैंग्वेज हैं जिनको शेड्यूल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाता है। स्टेट्स ऑल्सो हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट्स की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, एंड अलॉन्ग विद हिंदी इंग्लिश इज़ ऑल्सो यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज़, और हिंदी के साथ जो है इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आप जो है लैंग्वेज पॉलिसी इंडिया की जो है उसके ऊपर नोट लिख देंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की SST की वर्कशीट, आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, टेक केयर।